मुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओर वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। मौसम ठंडा है क्या? आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत हवा चल रही है। तो अभी अभी मैं नहाई हूँ और देखिए इतना ठंडा हो रहा है ना कि हमने मतलब गर्म कपड़े भी निकाल दिए हैं। ये मैंने स्वेटर वगैरह पहनी है और साथ में सब ने पहनी है, अक्कू ने भी पहनी है। अक्कू ये रही, अक्कू को भी गर्म कपड़े निकाले हैं, अक्कू हाई कर रही है। और उधर से पति देव जी है, उनको भी गर्म मतलब स्वेट शर्ट दे दी है मैंने पहनने के लिए। तो सभी ने गर्म कपड़े निकाले हैं क्योंकि भाई बहुत ठंडा हो रहा है और मैं तो नहाई भी हूँ। और खैर इनकी इनकी तो बात ही क्या करनी, ये तो होली वाले दिन नहाए थे और तब से अभी तक नहाए और अक्कू को नहीं नहलाया मैंने क्योंकि भाई बच्चों के लिए थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं नहलाया मैंने अक्कू को। अक्कू हाई करो। अक्कू तैयार क्यों रखी है? अक्कू क्यों रेडी है? क्यों अन्नी बुआ दादी के पास नहीं जाना? गांव यार, गांव सही नहीं। वहां तो मम्मी पापा जो डांटता है ना, इसलिए मैं वापस जा रही हूं दादी बुआ के पास। मम्मी पापा तेरे को डांटते क्यों? कब डांटा मम्मी पापा ने? मम्मी पापा प्यार करते हैं अक्कू को, कार्टून नहीं देखने देते उसको ना। इसलिए मैं गांव जाऊंगी दादी बुआ के। तो दादी दीदी की दादी के पास फोन है, कार्टून देखेगी दादी? देगी फोन बुआ के पास है फोन, तो बुआ देती है फोन। बुआ देती है फोन अक्कू को? हाँ। चलो ठीक है, चले जाना फिर। आप मम्मी पापा यहाँ रहेंगे और आप गांव में रहोगे? नहीं, आप भी आओगे गांव, पापा भी आएंगे गांव। चलो वो अक्कू इसलिए कह रही है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले ब्लॉग में, क्योंकि हम गांव जाने की तैयारी कर ही रहे हैं, जा रहे बट पता नहीं कब तक जाएंगे। वैसे सोचा नेक्स्ट मंथ 1-2 तारीख तक चले जाए। तो उसने अक्कू को जब से ही पता चला ना कि भाई हम गांव जा रहे हैं, मतलब गांव जाना हमने, तब से अक्कू परेशान करी जा रही है कि मम्मी गांव जाना है, कब जाएंगे मम्मी कब जाएंगे। बस इसलिए अक्कू हमें परेशान करी जा रही है। तो बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत ठंडा भी लग रहा है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बस क्या ही बोलूं मैं इस मौसम के बारे में। तो मजा आ रहा है आज और ठंडा भी लग रहा है। चलो अक्कू अंदर चलो, मतलब गर्मियों के सीजन में इतना ठंडा लग रहा है कि स्वेटर निकालनी पड़ी हमें। और अब मैं नहा गई हूँ, कपड़े भी मैंने धो लिए, झाड़ू पोछे सारे काम हो चुके हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ किचन में चाय अपने लिए गर्मा गर्म। आपको पीनी है चाय? ना ना, मेरा मुंह ही नहीं है, है? मेरा तो मुंह ही नहीं है, मैं तो पी नहीं सकता हूँ कुछ भी। चाय पीनी बना दो, उसने क्या जरूरत है? कितना सा मुंह है, इतना सा दिखाओ, कितना सा मुंह है, इतना सा तो मुंह है इनका। चाय कितना सा भी हो पूछना जरूरी है? जब अपने लिए बना रहे तो मेरे लिए बना दो। क्या गोरे से लग रहा है? अबे गोरा ही हूँ मैं, वो तो अंदर वहाँ दिखता कहाँ मैं। ओहो अच्छा, जाओ अंदर से क्लचर ले आओ। मेरे क्लचर लेके आना अंदर से। अक्कू लाओ चाय बनाती हूँ मैं, आ गई मैं किचन में अंदर। चाय बनाना तो हम बनाएंगे चाय, लोगों को ज्यादा बोर मत करो। चलो लो पकड़ो, मैं चाय बनाती हूँ। थैंक यू अक्कू, अंकू लेके आइए मेरे लिए क्लच। मैं खिचड़ी बना रही हूँ, मैं वो बना रही हूँ, ये बना रही हूँ, लोग बोर हो गए यार खिचड़ी देख देख के। नया करो जरा, 2-4 ठुमके लगा दे करो कभी। आते तो है नहीं, ठुमके लगाने से ना इसको डर लगता है क्योंकि मकान मालिक डांटते हैं, क्योंकि पता लग रहा है कहीं छत नीचे मिट्टी ना झड़ जाए इनकी, टूमेट टूट जाता है। इसलिए डांस करने के लिए उन्होंने साफ मना कर रखा है कि हमारे छत में कमरे में डांस मत करना। तो चाय मैंने बना ली है, देखिए चाय बन गई है और हम चाय भी पियेंगे बाहर छत में, क्योंकि मौसम का आनंद लेंगे ना, मौसम का आनंद लेंगे और साथ में चाय पियेंगे गर्मा गर्म। और आज चाय है जो मैंने डाली है स्टील वाले ग्लास में डाली है, कप में नहीं डाली। वैसे सच बताओ तो हम अधिकतर ना कप वो स्टील वाले ग्लास में पीते हैं चाय, बहुत कम होता है जब हम कप में चाय पे, बहुत कम चांस होते हैं। वैसे अधिकतर हम पीते हैं स्टील वाले ग्लास में। हस्बैंड इनको भी दे दी मैंने चाय। काला गोदी में कैसे बनी? बहुत काली है।
चाय काली नहीं है, उसमें मैंने काली है, मतलब थोड़ा सा इसमें ना पत्ती ज्यादा डाल दी, इसने मेरा फेस तो दिख ही नहीं रहा, तमीज का नहीं पकड़ने का कैमरा कब पकड़ता है, तो क्या हुआ बोलता रहा ना नहीं मैं हूं पाई ब्लॉग, मैंने इसमें बहुत काली से लग रही क्योंकि मैंने इसे कड़क चाय बनाई है वो, ठीक है ना। अक्कू को पता नहीं क्या हो रहा है आज, अक्कू का मूड क्यों ऑफ हो रहा, क्या हो गया? ऐसे ऐसे लोगों को ना पहाड़ी नहीं लिखना चाहिए, जब अगर पहाड़ों में है तो तब लिखो पहाड़ी ब्लॉगर, क्या देहरादून इस केस में हमें पहाड़ी है तो गढ़ हूँ तो मैं पहाड़ी ना, पहाड़ी का क्या मतलब, पहाड़ का दिखाओ ना। अक्कू का मूड क्यों ऑफ हो रहा, आपको क्या हुआ? गाँव नहीं ले जा रहे, गाँव नहीं जा रहे, अभी जाएगी वो गाँव, गाँव नहीं ले जा रहे ना इसलिए। तो हम पी रहे हैं यहाँ पे चाय, आराम से मजे कर रहे हैं, आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों के यहाँ पे कैसा है मौसम, बारिश वारिश हो रही है या नहीं। और हमने गढ़वाल में भी फोन किया, मतलब बात होती रहती है हमारी, वहाँ से फोन आते रहते हैं, तो वहाँ पे तो पता है बर्फ भी पड़ रही है, क्या यहाँ पे बर्फ तो नहीं पड़ रही, बर्फ नहीं पड़ रही वहाँ पे, पर यहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है, ओले पड़ रहे, ओले नहीं पड़ते, ओले वाले पड़ रहे वहाँ पे। तो और आज का ब्लॉग मैंने इसीलिए ही बनाया था, बस थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाना था, बारिश हो रही है, और ये दिखाना था कि हम लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। तो अब इसके बाद चाय वाय फिनिश करने के बाद हम फिर, मैं थोड़ी देर मतलब फ़ोन वगैरह चलाऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि टाइम अभी अभी बज रहे हैं 12 और 1 बजे तक मैं बनाऊंगी लंच, बजने वाला है अभी नहीं बजा, 1 बजे बनाऊंगी मैं लंच, तो देखते हैं लंच में क्या बनाएंगे, आज कुछ अभी सोचा नहीं है ना ही कोई है, तो देखते हैं क्या बनाते हैं, बना ले ख्याली पुलाव क्या। चलिए फिर ब्लॉग एंड करते हैं, अगर मैं कुछ आपके साथ, अगर मैं जो भी डिनर बनाऊंगी, ओ सॉरी लंच जो मैं बनाऊंगी और हो सके मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो फिर यहाँ पे ऐड करूंगी, नहीं तो फिर ब्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे। गंगा लंच कौन देगा बार बार। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे आपसे, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपको बहुत परेशान है कि गाँव नहीं जा रहे, जाएंगे बेटा बारिश बंद होगी ना फिर गाँव जाएंगे, ठीक है, वहाँ बड़े बड़े पत्थर आते हैं ना रोड में, डर लगता है ना, कचमोली बन जाती है आदमी के अगर पत्थर आ जाए तो। उपा मत करे, कहाँ जाए, बात करते बाकी पकड़ के ला और मैं इसके हाथ बांधता हूँ।